अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत होंगे। तो 25,000 रियाल का फ्रॉड हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, लेकिन अभी के दौर में भी अगर आपके साथ हो जाए तो ये बहुत हैरानी की बात है। क्योंकि हमेशा मैं वीडियो बनाता हूँ, हमेशा आप लोगों को वार्निंग देता हूँ कि आप लोग भूल कर भी ये गलती न करें, जैसा कि मैंने गलती कर दिया है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, आपके मोबाइल पे एक कॉल आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि आपका एटीएम कार्ड बंद होने वाला है या आपके नाम से इतना हजार का लॉटरी लगा है। आप लोग उसके चक्कर में फंस जाते हैं और अपना एटीएम कार्ड ऑनलाइन अपडेट करवा लेते हैं, नहीं तो जो लॉटरी लगा है आप लोगों को पैसा लेने के लिए आपका एटीएम कार्ड का नंबर या आपका बैंक डिटेल मांगा जाता है कि आपके हम बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे। तो आप लोग अपने बैंक का पूरा डिटेल उसको बताते हैं और आपके अकाउंट में जो भी पैसा होता है वो खाली कर लेता है, आपको कुछ पैसा नहीं मिलता है। तो एक कहावत है ना, माँ का दूध पीने से अगर पेट नहीं भरा तो बाप का केला चूसने से क्या पेट भर जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूंगा किस तरह से फ्रॉड हुआ है। अगर आप लोगों के साथ होता है तो आपको क्या करना चाहिए, आपका पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे, उसके बाद आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा किस तरह से फ्रॉड होता है, आप लोग इससे कैसे बच सकते हैं। सर मैं उद्धव बात कर रहा हूँ एनसीबी बैंक से। अच्छा, मालूम है एनसीबी बैंक? हाँ मालूम है ना एनसीबी बैंक। एटीएम कार्ड है, एटीएम कार्ड है एनसीबी बैंक का? हाँ है एटीएम कार्ड। अभी ये ब्लॉक हो जाएगा? हाँ तो ब्लॉक कैसे होगा? 5 साल के लिए। ओके, 5 साल के लिए। आप दूसरा चालू नहीं, जैसे मैं दूसरा चालू नहीं होगा? नहीं दूसरा नहीं चालू होगा। तो अपडेट कराने का क्या फायदा होगा? सर आप एक कामा नंबर बोलो। एकामा नंबर 24। जी सर बोलिएगा। 24 2 4 2 8 2 4 2 8 2 8 8 7 2 3 2 3 5 0। तो मैं आपको सबूत के तौर पर दिखाना चाहूंगा, मैंने इंस्टाग्राम पे एक भाई का मैसेज आया था, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे वो लिखा है मेरे दोस्त के साथ ऐसा हो चुका है, 25,000 रियाल का फ्रॉड हुआ है। यानी अलराजी बैंक से उसने कहा था कि मैं बोल रहा हूँ अपना एटीएम कार्ड अपडेट करा ले, उसके साथ ऐसा ही वो अपना डिटेल बता दिया और उसके साथ 25,000 रियाल का फ्रॉड हुआ। उसके बाद उसने पुलिस भी कंप्लेन किया, पुलिस ने अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया है। यहाँ पे हम क्लिक करके उसका रिकॉर्डिंग भी सुना देता हूँ। सद्दाम भाई, इस मसले के बारे में अगर आपको कोई मालूमात है ना तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि इसका क्या हल है और चांसेस हैं कि पेमेंट वापस आ जाएगी, पैसे वापस आ जाएंगे। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे मैंने इसका रिप्लाई दिया था कि भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, आप पुलिस कंप्लेन करें, मैं बैंक मैनेजर से मिले। उसके बाद यहाँ से क्लिक करते हैं, उसके बाद भाई का रिप्लाई आया था। समझ गया आपकी बात, नहीं वो कंप्लेन तो डायरेक्ट कर दिया, एक महीना हो गया अभी कंप्लेन को, लेकिन पता नहीं है, वो कह रहे हैं कि अगर सऊदी में हुआ तो पकड़ा जाएगा, लेकिन अगर वो बाहर से कॉल किया तो फिर मुश्किल है। बाकी चलें, शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। अगर आपके पास इस तरह से कॉल आता है और आपसे पूछा जाता है, आप लोग पूरा डिटेल बता देते हैं तो हरगिज ना बताएं। अगर आप गलती से बता दिए आपका अकाउंट खाली हो गया, आपके साथ फ्रॉड हो गया, क्योंकि लालच ऐसी बुरी चीज है जो लॉटरी का बहाना देता है कि आपके नाम से इतना लॉटरी लगा है। आप लोग पैसा लेने के लिए अपना बैंक डिटेल दे देते हैं, उसके बाद आपके अकाउंट से ही पैसा खाली कर देता है। तो आप लोग ये गलती न करें, या 50,000 रियाल का हो या 25 लाख का हो या 50 लाख का हो, बिल्कुल ये गलती न करें। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगा जो लोग भी फ्रॉड काम करते हैं, लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं, क्योंकि लोग यहाँ पे आकर मेहनत मजदूरी करके दिन रात एक करके अपना पसीना बहाकर पैसा इकट्ठा करते हैं घर भेजने के लिए, अपने बीवी बच्चों को माँ बाप को खुश करने के लिए, लेकिन एक झटके में पूरा पैसा वो निकाल लेता है, खा जाता है। तो मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगा, एक कहावत है ना, माँ का दूध पीने से पेट नहीं भरा तो बाप का केला चूसने से क्या पेट भर जाएगा। तुम लोगों का हाल वही है, दिन रात कितना भी फ्रॉड करो तुम्हारा पेट नहीं भरने वाला है, और लोगों के साथ ऐसा करते रहो तुम्हारा हश्र बहुत बुरा होने वाला है। तुम लोग ये सोचते हो कि हराम की कमाई खाकर हम बच जाएंगे, भले ही यहाँ पे तुम बच जाओ लेकिन मरने के बाद तुम्हारा हश्र बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि खुदा की पकड़ बहुत मजबूत होती है और एक एक पैसे का हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। ऐसे ऐसे दरिंदे पे मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं सोचता हूँ कि इसको किस नस्ल से पैदा किया गया है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा कर चुका है, लोगों के साथ तो होता है, मेरे साथ भी ऐसा कर चुका है। क्योंकि मैं लोगों को हेल्प के लिए वीडियो बनाया था STCPA का, जब मेरा वीजा कार्ड आया था उसमें बताया था किस तरह से इसको हम एक्टिवेट कर सकते हैं, तो वहां पे मेरा नंबर दिखाई दिया था, उस नंबर की वजह से मेरा पैसा निकाला था। लेकिन अच्छा हुआ कि मैं लिमिट सेट करके रखा था 10 रियाल करके, तो 2 मरतबा करके 10-10
रियाल मेरा काटा, लेकिन अच्छा हुआ कि मैं ज्यादा लिमिट बढ़ा के नहीं रखा था, नहीं तो मेरा अकाउंट पूरा खाली कर देता। अगर आप लोगों के साथ इस तरह से फ्रॉड होता है तो आप लोग सबसे पहले अपने बैंक मैनेजर से मिलिए, वहां पे कंप्लेन कीजिए कि मेरे साथ ऐसा हुआ, क्योंकि ऐसा होता है आप लोग गलती से किसी के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हैं तो बैंक के जरिए आप लोग उससे पैसा वापस ले सकते हैं, ऐसा होता है। तो इस तरह से आप लोग पैसा वापस ले सकते हैं, बहुत कम चांस होता है, क्योंकि आप अपने परमिशन से उसको पैसा निकालने का मौका देते हैं, उसके बाद फौरन पुलिस कंप्लेन करे। अगर वो सऊदी अरबिया में रहता है तो फौरन वो पकड़ा जाएगा। आप लोग ये काम जरूर करें, नहीं तो आपके साथ धोखा हो जाएगा और धोखा होता रहेगा। तो आप लोग भूल कर भी ये गलती न करें, अपना एटीएम कार्ड ऑनलाइन अपडेट न कराएं। अगर आप लोगों को ऑनलाइन अपडेट करना ही है तो आप खुद कर सकते हैं, मैंने बहुत सारा तरीका बताया, आप लोग खुद कर सकते हैं, किसी को अपना नंबर न बताए, नहीं तो आपके साथ ऐसा ही होगा। और लॉटरी के चक्कर में तो खास करके न पड़े, नहीं तो लॉटरी के चक्कर में जो पैसा आपको मिलने वाला है आपके अकाउंट से वो लेकर जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छा लगा, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी सावधान हो जाए, अलर्ट हो जाए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं।